सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 10 मार्च के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, 2019 के FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह ने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है ये। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था, तो वो जीता था इवा डी गोदे ने, नीदरलैंड महिला हॉकी टीम की कप्तान है वो। और FIH की बात कर लें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हेडक्वार्टर इसका लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। फिर है प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया, तो आंसर होगा सुषमा स्वराज। तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेश संस्थान हो गया और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन हो गया। उसी के साथ हरियाणा का जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। फिर है किस भारतीय एक्टिविस्ट को डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आंसर होगा गीता सेन को। फिर है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 बुक को अभी रिलीज किया, इस बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर के खंडेलवाल है। फिर है ब्रांड मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना, तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, अभी इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? तो मैं ही बता देता हूँ, सुमंत कथपालिया बने थे, ये याद रखना नाम है ना, नया अपॉइंटमेंट है। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करेंगे अगर टॉप 50 ब्रांड वैल्यू कंट्री में, तो टॉप पे चाइना रहा, भारत 8वें स्थान पे रहा और भारत की ब्रांड वैल्यू में सुधार हुआ है। फिर है यूनाइटेड अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रॉबिन सिंह को। अच्छा, इसी के साथ एक और नाम आपको याद रखना है, रूपा गुरुनाथ का, तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनी थी और किसी भी राज्य के क्रिकेट संघ में महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला हैं। फिर है किस देश में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पुलिस ऑफिसर एला को प्रदर्शित किया गया, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। एला मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट, तो इसका इस्तेमाल लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए किया जाएगा। फिर है किसे ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा अतुल कुमार गुप्ता को। अच्छा, ये अतुल कुमार गुप्ता हैं, अतनु कुमार दास मत कर देना। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, ये अतनु कुमार दास कौन है, क्या बने अभी ये? फिर है किस राज्य में SCF यानी कि सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। फिर है AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अजय पटेल को। बढ़ते आगे, फिर है भारत की पहली अंतर शहरी इलेक्ट्रिक बस यानी कि इंटरसिटी बस सेवा शुरू हुई है अभी, कहां से कहां? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है और मुंबई और पुणे के बीच में चलेगी। अच्छा, इसी के साथ याद रखना है, भारत की पहली LNG बस सेवा भी शुरू हुई है कहां पे? केरल के कोची में। फिर है सितवे पोर्ट ये किस देश में है, तो ये म्यांमार में है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पोर्ट अभी न्यूज में थे, जैसे कि वो चाबहार पोर्ट तो आपको याद ही है, ईरान में है। ग्वादर पोर्ट भी याद रखना, पाकिस्तान का है। और दुकम पोर्ट ये आपका ओमान में है। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है, तो आंसर होगा त्रिपुरा और मिजोरम। फिर है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा लखनऊ में, और ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर है T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी थी, तो शेफाली वर्मा बनी थी। और अभी तो ये न्यूज में भी थी, पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है ये, और अभी ICC ने महिलाओं की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की, उसमें भी टॉप पे रही है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर है फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें हथियारों पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है, तो आंसर होगा सऊदी अरब। और इस रिपोर्ट में बताया था कि ग्लोबली हथियारों पे, जो हथियार होते हैं उनपे जो खर्च है वो ग्लोबली 4% बढ़ गया है। पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे अब आ गया सऊदी अरब, भारत 6वें स्थान पे है। फिर है गेल इंडिया के CMD कौन बने, मनोज जैन बने हैं। और कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे, प्रमोद अग्रवाल बने थे। फिर है किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को, ये नया प्रश्न है इसको याद रखना। फिर है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा बना है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और नेपाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। और USA में कौन बने, तरनजीत सिंह संधू बने हैं, पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला जो अब फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। बढ़ते आगे, अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा किरॉन पोलार्ड। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसी तरह से दो नाम आपको और याद रखने हैं, एक तो हीथर नाइट का, इंग्लैंड की महिला टीम की कैप्टन है, और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था, क्योंकि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उसी तरह से रॉस टेलर का भी नाम याद रखो, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है और तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं ये। फिर है वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, दो महिलाएं हैं, नाम है शेली मैकनामरा और चावन फारेल, ये दोनों आयरलैंड की नागरिक हैं। और ये प्रिट्जर जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और वास्तुकला के क्षेत्र का इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। फिर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसको, जालिला हैदर को, और ये सम्मान दिया जाता है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू वुमेन के द्वारा। और ये जालिला हैदर की बात करेंगे, पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान में इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और क्यों मिला इनको ये सम्मान, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में महिलाओं और बच्चों की सेवाओं के लिए। फिर 500 NGO टॉप 500 NGO की लिस्ट आई, उसमें कौन सा NGO टॉप पे रहा, तो आंसर होगा BRAC। इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज, तो ये बांग्लादेश का NGO है और लगातार 5 सालों से इस लिस्ट में टॉप पे रही है। और ये लिस्ट जारी कौन करता है, तो जेनेवा स्थित NGO एडवाइजर ने इसको जारी किया है। फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया 8 मार्च को, और इसकी थीम रही थी IM जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल वुमेन डे है, एक नेशनल वुमेन डे भी हमने मनाया था फरवरी में, कब बता सकते हो, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को उनके सम्मान में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, और देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी ये, उत्तर प्रदेश की बनी थी ये राज्यपाल। फिर नासा ने अपने मार्स 2020 मिशन में रोवर का आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो आंसर होगा पेरसेवेरॉन्स, और इसको मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया जाएगा अभी जुलाई में, और ये अगले साल तक 2021 में मंगल ग्रह के J0 क्रेटर पर लैंड करेगा। नासा की बात करेंगे, फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। याद रखना, नासा की एक साइंटिस्ट हैं क्रिस्टिना कोच, अभी न्यूज में रही थी क्योंकि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली ये महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, 328 डेज तक ये रही थी। फिर किस राज्य ने बोतल बंद पेयजल के खुदरा मूल्य को सीमित करने का आदेश जारी किया है, तो केरल ने, अभी इन्होंने कहा है 13 रुपए प्रति लीटर मिलेगी आपको बॉटल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पिनाराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर हैं। फिर है 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक यानी कि जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनकी संख्या कुल कितनी रह जाएगी, तो आंसर होगा 12, क्योंकि आपको पता है जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका विलय करके 4 बैंक बना दिया जाएगा। कौन कौन से किसमें विलय होंगे, तो एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, या तो मेरे साथ बोलो या ध्यान से सुनना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाएगा, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और अलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। इसी के साथ आप याद रख सकते हो, या ऐसे जनरली आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2017 के पहले देश में 27 सरकारी बैंक थे, और अब 1 अप्रैल 2020 के बाद कितने हो जाएंगे, 22, सब मर्ज हो गए। फिर 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में, इसी साल होगा ये इसका 5वां संस्करण होगा, इसी साल ये सितंबर में होगा। बिम्स्टेक से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, और श्रीलंका से याद रख लो, इसके प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नए बने थे, प्रेसिडेंट बने थे गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। फिर महिला T20 विश्व कप 2020 ये किसने जीत लिया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। कहाँ पे हुआ था ये, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, और इसमें बेथ मूनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही और एलिसा हेली प्लेयर ऑफ द मैच रही। फिर किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण भारत में व्यापार को $348 मिलियन का नुकसान होगा, तो अंक टाड ने बताया उसकी रिपोर्ट में ऐसा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा यूरोपियन यूनियन को। अंक टाट की बात कर लें, इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा हरियाणा ने, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंकों से जमानत गारंटी के बिना लोन ले सके। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चन में बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये किस शहर में है,
तो आंसर होगा ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। फिर है किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र खुला है, तो ये भी आपका केरल में ही खुला है। भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बना है, तो आंसर होगा सरदार पटेल स्टेडियम, ये अहमदाबाद में है, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का, 1,10,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे। एक्चुअली अभी इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद ने गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड दिया था और इसी के साथ ये भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। साथ में मैंने कहा ये आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या कैपेसिटी है, 1,10,000 लोग। और आपको पता होगा भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत तो नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फिर है भावांतर भरपाई योजना, ये किस राज्य की है, तो ये हरियाणा की है। और एक भावांतर भुगतान योजना भी न्यूज में आई थी, वो मध्य प्रदेश की है, तो दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने, निवास गोयल बने हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त जो आप थे अमूल्य पटनायक, वो रिटायर्ड हो गए, और तो दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस किसको दिया गया, SN श्रीवास्तव को दिया गया। फिर है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये है कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बटियाली, ये किस राज्य का लोक गीत है, ये है पश्चिम बंगाल का। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये हमने कब मनाया, 19 जनवरी को मनाया। फिर पूछा जा रहा है एशेज सीरीज का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है और ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ये एक टेस्ट सीरीज है। फिर है भारत के नए वित्त सचिव अभी कौन बने, तो आंसर होगा अजय कुमार पांडे। बढ़ते आगे तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है DRDO दिवस हमने कब मनाया, 1 जनवरी को मनाया। विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया था, और याद रखना साथ में ब्रेल लिपि के इस्तेमाल में 6 डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस अभी कब मनाया था, तो आंसर होगा 9 जनवरी को। लेकिन आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये हमने 18 दिसंबर को मनाया था। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाते हैं, और नेशनल हिंदी डे वो 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और इस बार की थीम रही थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो वो भी याद रखना 12 अगस्त को मनाते हैं, और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। चलो बताओ एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, तो केरल, कर्नाटक और झारखंड का। फिर है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, 14 जनवरी को मनाया था, यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। फिर है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये अभी 15 जनवरी को मनाया था, ये इसका 72वां एडिशन था। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया, और 3 मार्च को ही हमने वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व हियरिंग दिवस भी मनाया। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को मनाते हैं, और 24 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे की इस बार थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पीस। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, तो वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। अच्छा अभी आपको बताइए इंटरनेशनल वुमेन डे हमने कब मनाया, 8 मार्च को, तो वो भी याद रखना। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर्स डे, ये 25 जनवरी को हम मनाते हैं। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था इसीलिए। और थीम क्या रही, थीम इम्पॉर्टेंट रहेगी, थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेरी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अच्छा 25 जनवरी को ही हम एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, बता सकते हो कौन सा, नेशनल टूरिज्म डे। और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न जाते जाते मुझे बता जाओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये प्रश्न अब आप ही मुझे बताओगे। प्रश्न ध्यान से सुनो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक आप जरूर करा करें, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे भी पता लगता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा है। और कम से कम इसे अपने एक स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दिया करें, ज्यादा नहीं कम से कम एक में तो आप कर ही सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।